नमस्कार दोस्तों दोस्तों प्लेन उड़ा के पैसे कमाने वाले ऐप यानी कि एविएटर ऐप के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। दोस्तों यूट्यूब पे आपको बहुत सारे एविएटर के प्रमोशनल वीडियो, एविएटर के ट्रिक्स वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन कोई इसकी काली सच्चाई के बारे में नहीं बताएगा जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप उन सभी तक पहुँचाइए जो एविएटर ऐप से पैसे कमाने की चाह रखते हैं, इसको खेलना चाहते हैं या फिर इस गेम में अपने पैसे हार चुके हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि एविएटर गेम क्या दावा करता है। तो दोस्तों एविएटर गेम में आपके सामने एक स्क्रीन होता है और उसमें रहता है एक प्लेन जो कि उड़ना स्टार्ट करता है। उसके पहले आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आपको अपनी कुछ राशि धनराशि जो है इसमें लगानी है और ये जो प्लेन है उड़ना स्टार्ट करेगा। 1x उड़ेगा, 2x, 3x, 4x, ये कुछ फिक्स नहीं होता है कि ये कितना ऊपर जाएगा। ये 1x पे भी जो है फ्लू अवे हो सकता है, 2x पे भी फ्लू अवे हो सकता है, 3x पे, या तो फिर जो है उड़ने से पहले ही जो है आपको दिखा देगा कि भाई ये फ्लू अवे हो गया। तो आपने जो धनराशि लगाई है मान लीजिए कि उसे मुझे 5 गुना करना है तो मैं उसे 5x पे निकालूंगा, लेकिन अगर ये 5x जाने से पहले ही जो है फ्लू अवे हो गया तो आपने जो धनराशि लगाई है वो जो है चली जाएगी, यानी कि आप चले जाएंगे लॉस में। तो दोस्तों अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, एविएटर गेम की काली सच्चाई समझने के लिए आपको यूट्यूब पे ये सर्च करना है कि अपना खुद का एविएटर गेम किस तरीके से बनाए, हाउ टू क्रिएट ऑन एविएटर गेम। क्यों पता है? क्योंकि एविएटर गेम को कोई ना कोई तो ऑपरेट करता होगा, ओके, और एविएटर गेम कोई संस्था नहीं है जो आपका फायदा करवाने बैठी है, वो अपना फायदा करवाने के लिए बैठी है। तो ये समझने के लिए आपको YouTube पे ये सर्च करना है। तो आप जैसे ही सर्च करेंगे उनका वीडियो जो है पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई बहुत सस्ते में ये जो गेम है वो बन जाती है। और दूसरी बात कि वहां पे आपको मिलता है सोर्स कोड और एडमिन पैनल। तो एडमिन पैनल और सोर्स कोड से क्या पता लगता है, आप जो भी एविएटर गेम में खेलते हैं, अभी तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई है जिसमें एविएटर गेम होती है, ओके, तो दोस्तों वो जो एडमिन होता है उसको टोटल यूजर का वॉलेट बैलेंस दिखता है एडमिन पैनल में, यानी कि सभी लोगों का कितना टोटल मिला के बैलेंस है वो उसमें दिखता है, ओके, और दूसरी बात के सेम टाइम पे कितने लोगों ने कितना अमाउंट लगाया और टोटल अमाउंट कितना लगा है वो भी दिखेगा, और मेन बात कि वहां पे उस प्लेन को कब फ्लू अवे करवाना है वो भी वहां पे दिया गया है। तो मेरी बात आप ध्यान से समझिए कि भाई जब ज्यादा लोग हैवी अमाउंट जो है गैस करते हैं, अपनी धनराशि लगाते हैं, तब वो लोग क्या करते हैं, जल्दी ही इसको फ्लू अवे कर देते हैं, और जब लोग जो है कम अमाउंट लगाते हैं तब जो है इसे लंबा जाने देते हैं। क्या आपके साथ भी ये होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप जब अमाउंट लगाते हैं तब जो है ये जल्दी ही फ्लू अवे हो जाता होगा, समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसको जो है चलाने वाला, गेम को चलाने वाला एडमिन पैनल पे बैठ के ये सब जो है झोल करता है। और दोस्तों अभी के टाइम में बहुत सारे एविएटर गेम्स आ गए हैं जो बहुत सारी एप्लीकेशन में लिस्टेड है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई एविएटर गेम को अब बहुत सारे स्कैमर्स भी बनाने लग गए हैं और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐड चलाते हैं और उसमें सेलिब्रिटी की या तो फिर किसी क्रिकेटर की फोटो लेके जो है, या तो उनकी कोई वीडियो क्लिप लेके उनका जो है मतलब वॉइस चेंज करके डीप फेक AI टेक्नोलॉजी से जो है अपना वॉइस जो है लगाते हैं, जिसमें ये बोलते हैं वो लोग कि एविएटर गेम खेलिए, यहाँ से मैंने पैसा कमाया, वो सब जो है उसमें ऐड करते हैं और वो जो है चलाते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर जी का, अक्षय कुमार का, विराट कोहली का, शाहरुख खान का, सबका ऐड जो है हम लोग देख चुके हैं जो कि डीप फेक AI टेक्नोलॉजी से बना है। और सचिन तेंदुलकर और अक्षय कुमार ने तो ट्वीट भी किया है कि ये हमारा वीडियो नहीं है। और दोस्तों आपको जो है एविएटर हैक और एविएटर बोट वाले एड्स भी बहुत दिखेंगे जिसमें आपको कोई एप्लीकेशन देने का दावा करते हैं, जिसमें वो लोग ये बताते हैं कि हम आपको पहले से ही बता देंगे कि प्लेन कितना ऊंचा जाएगा। तो वो जब वो सब जो है स्कैम होता है, आपको जो है ऐसे स्कैम में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। और दोस्तों दूसरी बात, ये जो एविएटर गेम है वो इंडिया में लीगल नहीं है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि स्प्राइब कंपनी ने एविएटर गेम को बनाया है। तो दोस्तों आप जब स्प्राइब कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे अवर सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंस वाले पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज के नेम है जिसमें इंडिया का नामो निशान नहीं है।
और आपको ये बात तभी समझ में आ जानी चाहिए जब आप एविएटर के किसी भी गेम में रिचार्ज करते हैं, पैसे डालते हैं, तो आपको तरह तरह के क्यूआर कोड और यूपीआई में पेमेंट करवाए जाते हैं। ओके, लेकिन अगर आप ड्रीम इलेवन या तो फिर किसी भी लीगल जो अर्निंग एप्लीकेशन है या तो फिर लीगल जो फैंटेसी ऐप है उसमें अगर पेमेंट करते हैं जो इंडिया में लीगल है, तो आपको जो है वहाँ पे पेमेंट गेटवे देखने को मिलता है कि अगर आप ड्रीम इलेवन में रिचार्ज तक करते हैं तो ड्रीम इलेवन प्राइवेट लिमिटेड, ओके, माय इलेवन सर्कल प्राइवेट लिमिटेड, अगर आप विड्रॉ भी लेते हैं तो उनके नाम से ही आता है। तो इसका मतलब है कि वो इंडिया में लीगल किया गया है स्किल गेम के नाम पे। तो दोस्तों स्किल गेम क्या है, तो ड्रीम इलेवन में अगर आप टीम बनाते हैं तो भाई पता होगा 100 क्रेडिट दिया जाता है, हर प्लेयर का अलग अलग क्रेडिट देता है। ये सब जो मतलब फैक्टर्स है उसके उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए उसको जो है स्किल गेम का करार दिया गया है जो कि इंडिया में लीगल है। लेकिन एविएटर गेम जो है एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में जो है रजिस्टर नहीं है, आप एमसीए में देखेंगे तो ड्रीम इलेवन आपको जो है रजिस्टर देखने को मिलता है। और आप थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर ये लीगल होता तो इसका जो एड है वो टीवी पे आता जैसे कि ड्रीम इलेवन का आता है। लेकिन आप खुद सोचिए, ड्रीम इलेवन तो मतलब सिर्फ इंडिया में चलता है, फिर भी कितने जगह पे स्पॉन्सरशिप देता है। एविएटर जो है बाकी सारी कंट्री में चलता है, मतलब बाकी सारी कंट्री में तो लीगल है, इंडिया में इनलीगल है, तभी तो उसका ऐड नहीं आता और किसी को स्पॉन्सर नहीं करता है। और दोस्तों मैं जो है एविएटर पे पहले भी 4-5 वीडियो बना चुका हूँ जिसके कमेंट सेक्शन में आपको बस यही देखने को मिलेगा कि हम जब भी पैसे लगाते हैं तब ये प्लेन जो है वो जल्दी जो है फ्लू अवे हो जाता है। बहुत सारे लोगों का लॉस हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने लाखों में लॉस किया है, बहुत कम लोगों का ये कमेंट होगा कि भाई हमने यहाँ से पैसे कमाए। और ये कब होता होगा कि भाई जब जो है ये प्लेन में मतलब कम अमाउंट लगता होगा तब ये हाई जाता होगा, और ये बात फिक्स है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो दोस्तों आपको जो है ऐसे गेम से दूर रहना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई ये जो गेम है वो अपना फ़ायदा करवाती है, ना कि आप लोगों का। अभी बहुत सारे जो मतलब एप्लीकेशंस हैं, 91 क्लब, टीसी लॉटरी, बिग डैडी, जितने भी गेम्स हैं उसमें ये जो है एविएटर वाला गेम आ गया है। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई ये जो गेम है वो लीगल है। ओके, तो भाई मुझे जो है इसका कोई भी प्रूफ अभी तक नहीं मिला है कि ये लीगल है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि आप जिस एप्लीकेशन में ये गेम खेलते हैं उसका डोमेन जो है वो भी बार बार चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि वो लीगल नहीं है, किसी की पकड़ में ना आ जाए, समझ रहे हैं आप? इसलिए वो अपना डोमेन नेम जो है वो बार बार चेंज करते रहते हैं। ये बात आपको जो है थोड़ी ध्यान से समझनी है। और ये वीडियो उन सभी तक आप पहुंचाइए जो इस गेम को खेलना चाहता है या तो यहाँ से पैसे कमाना चाहता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आपने एविएटर से कितना पैसा कमाया और कितना पैसा गवाया वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।